सो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर जितना सारे सिम का कंपनी है वो सारे तो यहाँ पर प्राइस बढ़ा चुके हैं। मतलब यहाँ पर जितना का था उससे 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ करके यहाँ पर रेट बढ़ चुका है और आप लोगों को डे भी कम करके दिया जा रहा है। एयरटेल, जियो और वी आई ने यहाँ पर सारा प्लान जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अब आप लोग कुछ नहीं चिंता करना है। सिंपल, आप लोग जैसे थंबनेल में देखा कि यहाँ पर BSNL 5G लॉन्च करने वाला है, मतलब 4G 5G दोनों लॉन्च करने वाला है या आप लोग का लॉन्च हो चुका है आप लोग एरिया में, तो जरूर एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा जैसे समझ में आया कि आप लोग यहाँ पर एरिया में यहाँ पर लॉन्च हुआ है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग को दिया जा रहा है BSNL यहाँ पर 4G 5G जो दे रहा है यहाँ पर, वो क्या कर रहा है, आप कम से कम में आप लोग को दिया जाएगा, वो आप लोग को सारा प्लान में दिखा देना चाहता हूँ कि 4G 5G में कितना बेहतरीन बेहतरीन प्लान दिया गया है। अगर आप लोग को वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छा है BSNL का तो आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को यूज़ करने के लिए आप लोग को प्लान को आप लोग को पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना कितना का प्लान है। और आप लोग को प्लान देखकर आप लोग को एक बार में पसंद आ जाएगा, लेकिन आप लोग को एक देखना है कि आप लोग का एरिया में लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ है, वह देखना है। तो अगले पुल का एरिया में अगर लॉन्च होकर जो है तो आप लोग जरूर से कमेंट एक बार कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए जैसा कि BSNL का यहाँ पर प्लान है, यहाँ पर देखो 197 में आप लोग को 2GB डे दिया जा रहा है, वो भी 70 डे के लिए। आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पर 70 दिन के लिए आप लोग को 2GB करके डाटा दिया जा रहा है। ये 4G है, आप लोग को जब से 5G लॉन्च हो जाएगा तब 5G यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर देख सकते हैं 108 रुपीज़ का आप लोग को 1GB डे दिया जाएगा जो कि 60 डे के लिए, यार उसमें आप लोग को मतलब 28 डेज लेने के लिए आप लोगों को 299 का रिचार्ज करना पड़ता है। यार यहाँ देख सकते हैं सिर्फ 108 रुपीज़ में आप लोग 1GB डे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 139 में 1.5GB करके 28 डेज दिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 1515 अगर करते हैं तो 365 डेज का दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर 198 में भी आप लोग को 2GB डे दिया जा रहा है जो कि यहाँ पर 40 डेज के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं 797 का यहाँ पर 2GB डे दिया जा रहा है, 300 डे आप लोग को दिया जाएगा, मतलब 300 डे दिया जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हो 411 में आप लोग को 2GB डे दिया जाएगा जो कि 90 दिन के लिए, या 91 में आप लोग को कोई टॉक टाइम नहीं है, सिर्फ 90 दिन का वैलिडिटी मिलेगा आपको। और यहाँ पर देख सकते हो 198 में 2GB डाटा दिया जा रहा है 40 डेज के लिए। यहाँ पर 1500 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितना सारा बेहतरीन यहाँ पर प्लान दिया गया है जो कि यहाँ पर BSNL वाले लोग ने यहाँ पर लॉन्च कर चुका है। आप लोग अगर एरिया में यहाँ पर 4G या 5G लॉन्च हो चुका है तो एक बार कमेंट करिएगा जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप लोग के एरिया में यहाँ पर लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग जैसे कि यहाँ पर एयरटेल, जियो, वी आई ने इतना रेट बढ़ा चुका है कि अभी आप लोग को रिचार्ज करने के लिए सोचना पड़ रहा है कि कौन सा प्लान रिचार्ज करो, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग को वो समझ में नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं आप लोग के लिए बस सबसे बेहतरीन प्लान लेकर आऊँगा जो कि आप लोग को उसको रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप लोग एयरटेल, जियो, वी आई में करना है तो बता रहा हूँ, वरना आप लोग यहाँ पर BSNL का जैसे कि न्यूज़ आ रहा है यहाँ पर सारा तरफ से यहाँ पर वो भी लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द। आप लोग भी प्लान भी दिखा चुका हूँ मैं आप लोग को, तो जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पर 4G आप लोग का अगर BSNL है तो ठीक है, अगर नहीं तो जाके देखिएगा आप लोग यहाँ पर 30 रुपया करके या 50 रुपीज करके आप लोग यहाँ पर सिम आप लोग को मिल जाएगा आप लोग के एरिया में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।